अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी दिन है, आज बकरा मंडी जाना है, बकरा लेने। वक्त का मुकाबला सख्त है और ऑलरेडी 12 बज रहे हैं। ये वो दिन है जिसका बचपन से मुझे हमेशा बड़ा ही बेसब्री से, बड़ा बेचैनी से इंतज़ार आ करता था कि मुझे, इनफैक्ट रात को नींद नहीं आती थी कि जी कल बकरा लेने जाना है। लेकिन आज सोच सोच के मुझे रात से बुखार चढ़ रहा है कि आज कैसे करेंगे, क्योंकि फ्राइडे है, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और तारीख गवाह है कि जब भी हम मंडी गए हैं हम मगरिब से पहले वापस नहीं आए, और मेरा बकरा हमेशा सबसे लास्ट में फाइनल होता है। उसकी वजह यह है कि मेरा बकरा हमेशा सबसे फरमाइशी होता है, उसके ख़ास स्पेसिफिकेशंस हैं, कान लंबे हों, खूबसूरत हो, शक्ल उसकी बकरियों वाली ना हो, बकरे वाली हो, बड़ा डैशिंग हो और बजट में भी हो और इंतहाई खूबसूरत हो। तो मसला ये कि रोला भी मेरा है सबसे ज़्यादा और टाइम शॉर्ट है, और बुखार मुझे इस वजह से चढ़ रहा है कि आज गर्मी का खसूसी पैकेज चल रहा है, शदीद गर्मी है। इस्लामाबाद में जो हब्स का मौसम है वो अपने अरूज पे है, तो देखें अब क्या होता है। बैकग्राउंड में आपको अगर नॉइज़ आ रही है, शोर आ रही है, पंखा चल रहा है, तो प्लीज़ गुजारा कीजिएगा, क्योंकि एक आम आदमी के घर में इस तरह ही होता है सेटअप। कोई स्पेशल जो है, अम्मी मुझे देख रही है टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से कि पागल हो गया बेटा मेरा, तो कोई स्पेशल रूम नहीं है, साइड पर कुकर भी चल रहा है, किचन में काम भी हो रहा है, टीवी भी चल रहा है, कार्टून भी लगा हुआ है, बुलबुले भी चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। तो अभी क्विकली करते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, करीम मंगानी है, निकलना है घर से और पहुंचना है कज़न की तरफ, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और वहाँ से नमाज़ पढ़ के फ़ौरन निकलेंगे हम। तो अभी रैप अप करते हैं। अच्छा हाँ, निकलने से पहले आपको खसूसी कुछ टिप्स दे दूँ, सर्वाइवल टिप्स बकरा मंडी जाने के लिए, जो मैं फॉलो करता हूँ, आप कर लें तो अच्छा है, ना करें तो आपकी मर्ज़ी है, शायद आपको फ़ायदा हो जाए। तो वो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि कुछ ये हैं। एक बरादराना मशवरा आपको दूंगा, कोशिश करें कि जितना सादा और आम सा लिबास पहन के जाएँ मंडी, उसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो मर्ज़ी आपकी, अगर आपने बहुत डिस्को बन के जाना है तो आप नाइकी के शूज़ पहन के जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। सादा कपड़ों में जाने का मकसद ये है कि आप ज़रा अच्छे से बार्गेनिंग कर पाएंगे और व्यापारी जो है वो आपको आपके नाइकी शूज़ देख के और जेंगो बॉय देख के तो आपको रेट डिफरेंट ही बताएंगे। तो ये मेरा ट्रिक है, बाकी आप देख लें आप क्या करना चाहते हैं, आपको जो सूट करता है वो करें, लेकिन पैंट शर्ट ट्राउज़र में जो पसीना आएगा वो सोच सोच के मेरी हालत टाइट हो रही है, क्योंकि अभी घर में बैठे हैं और मैं अभी नहा कर निकला और पसीने ज़बरदस्त किस्म के बह रहे हैं। बैग थोड़ा सा जेंगो हो गया है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई है नहीं, तो मजबूरी है, इसी को लेके जाएंगे साथ। तो टाइम शॉर्ट है, अब करीम करनी है, गाड़ी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि मंडी में गाड़ी की हालत ख़राब हो सकती है, जानवर होंगे, बहुत रश होगा, फंस जाएंगे, और वापसी पे क्योंकि मुझे होपफुली सुजुकी पे लटक के आना पड़े अपने बकरे के साथ, तो दो गाड़ियाँ कैसे मैनेज करेंगे, लिहाजा अब करीम करते हैं और निकलते हैं घर से। प्लान अचानक से चेंज हो गए, अब हम अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं क्योंकि करीम के फेयर जो हमने देखे हैं तो वो 400 रुपये बन रहे हैं, जो कि बड़े ज़्यादा हैं। अभी टैंक फुल कराया गाड़ी में तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो करीम वालों प्लीज़ थोड़ा सा रहम करो, जुम्मे का टाइम है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन फेयर अचानक से बंद। मैं जब भी करीम बुक किया ना हमेशा पीक ही लगा रहा, पता नहीं कौन खुशकिस्मत लोग हैं जिनको डिस्काउंट डिस्काउंट मिलते हैं, हमें तो नहीं मिलता। तो अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं क्योंकि टाइम भी कम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो खुआरी जितनी अवॉइड की जा सके वो बेहतर है। तो लेट्स गो। हज़रत अली का एक कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। इंसान सोचता है क्या और होता क्या है। नमाज़ पढ़ने के बाद मौसम ने एक 360 डिग्री का टर्न ले लिया है, बादलों की आवाज़ अगर आप सुन सकें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंतहाई खुशगवार मौसम हो गया, हवा भी चल रही है। छतरी की ज़रूरत पहले तो धूप से बचने के लिए थी, लेकिन अभी
बारिश से बचने के काम आएगी। और अभी हम ये सोच रहे हैं कि क्या हमें जाना भी चाहिए कि नहीं, तो फिलहाल प्रोग्राम खटाई में पड़ गया। लेट्स सी कि आज हम मंडी जाते हैं कि नहीं। यार बारिश बड़ी फिट किस्म की हो रही है। हुसैन भाई आपको क्या लगता है, हम आज जा पाएंगे? आज तो मुश्किल ही है, कल का ही लगता है। ये हुसैन भाई हैं जी, ट्राई करते हैं। हुसैन भाई का भी कुछ चैनल है, आप भी करते हैं लॉगिंग शॉगिंग? नहीं, मेरा डिलीट हो गया। चलें आप इंशाल्लाह दोबारा उसको कोशिश करें। बारिश बड़ी शदीद है तो देखें, शोर भी आपको आ रहा होगा, तूफानी फिल्मी बारिश हो रही है जिसमें वो पानी इधर उधर डांस कर रहा था। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अल्लाह पे उम्मीद पूरी है, इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और इन केस अगर यहाँ हमारा मकसद पूरा नहीं होता तो हमारा मूड है किसी और मंडी पे जाने का, जहाँ बारिश ना हो। और अल्लाह ताला से ये इल्तिजा है कि एक दो दिन के लिए बारिश ज़रा धीमी कर दे या रोक दे, क्योंकि मतलब इतना बड़ा एक कुर्बानी का फरीजा होता है, उसको मुकम्मल करने के लिए मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब यही है कोशिश हमारी कि अच्छे भी हों और सस्ते भी हों और मतलब खूबसूरत भी हों। तो बाकी देखें, जाके देखते हैं उसके बाद, मेरा मतलब है कि वो क्या वो करते हैं, मतलब ठीक है, क्या मतलब हासिल होता है हमें वहाँ से। आए देखें। ओके, थैंक यू। मंडी पहुँच चुके हैं, इससे बेस्ट वेदर नहीं हो सकता मंडी आने के लिए, क्या ही बात है। इमरान भाई हमारे साथ हैं। इमरान भाई क्वालिटी कंट्रोल में बड़ा इनका ख़ास एक किरदार है। ये इनिशियल सौदेबाजी चल रही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि डील बनेगी। ये काफ़ी सारे हजरात हैं, चचा भी हैं और कज़न्स भी हैं और अदील भाई भी हमारे साथ हैं। अदील भाई आप हाँ, बीच बीच में आपको सरायकी सुनने को मिलेगी क्योंकि सरायकी खानदान है। हाँ हाँ, आइयो ढो ढो। चलो भाई आप सलाम, क्या बात, अपना अपना नाम भी बताओ।
تاسو ولسه نوم دی تاسو مغزرگل سارے بتاو آپ کا آہا آپ کا کامران تمہارا تولم ابو خدری زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ بائے بائے کر دو بائے بائے Yo, I create off drum drops and 808 black tops. Grab the mic so you don't react. The double X polo shirt with the hat to match. In fact, we verbally vibrate your track. Gulabi aankhein jo teri dekhi, sharabi ye dil ho gaya. Kaafi der ho gayi hai, koi bhi bakra nahi pasand aaya. Filhal dumba dekhne gayi hai party. दुम्बे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने लेना है बकरा. तो तब तक आप देखें एक ड्रोन शॉट. ऐसा ड्रोन शॉट आपने शायद पहले कभी देखा नहीं होगा. तो चलें लेट्स सी. शेरी साहब चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहला ठीक है भाई, वेरी गुड. क्या बात क्या बात. अच्छा जी, ये दो बड़ी स्पेशल हमें पर्सनैलिटीज ने ज्वाइन किया, आसिफ रजा और रिजवान साहब हैं, कजन थे मेरे दोनों. बड़े लेट हैं, कहाँ रह गए थे भाई दोनों? भाई रास्ते में बहुत रश था और ट्रैफिक जैम थी और हमें बहुत टाइम लगा. आप दोनों ने लेना है जानवर? जी जी, दोनों ने लेना है. और आप लोग कितने बजे पहुंच रहे हैं? 6 बजे. वेरी गुड, ये दैट्स द स्पिरिट. बारिश बहुत ज्यादा है, देखो बारिश. आप बताएं, आप सारी मंडी घूमे हैं तो अभी तक आपने? मुझे जानवर बड़े पसंद आए. जो मुझे पसंद आता है वो 45 का होता है. अब मैं सोच रहा हूँ किस तरीके उसको 30 में मैं उसको खड़ा कर लूँ. तो आपकी रेंज 30 है? यानी 30 मैक्स है. और आसिफ भाई से पूछें, आसिफ भी आप भी क्या रेंज है? मेरी भी यही है, सेम टू सेम. वेरी गुड, टी मैक्स. तो चलो भाई, इधर छोटे छोटे जानवर हैं तो जरा पता करते हैं. आए आप हमारे साथ, देखें फिर क्या होता है. ओके वाला ये नाज़रीन, ये एक्सटेंशन फुटबॉल स्कर्टिंग अलॉय रिम्स ये सारे डाल रहे हैं इस टाइम. ये बड़ा जरूरी है, साल में एक दफा लेते हैं तो जरा बकरे को खुश भी होना चाहिए. ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा जी, बाकी बकरे हमने बाहर दिए हैं, इस बार पिकअप के ऊपर राइड हो रही है. मेरे बकरे और आसिफ भाई का बकरा, आसिफ भाई मेरे साथ है. आसिफ भाई इंजॉय कर रहे हैं जी, क्या बात है. बैकग्राउंड में बिल्डिंग भी सजी हुई नजर आ रही है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ. स्टेट लाइन बिल्डिंग है या कौन सी बिल्डिंग है जो सजी के पीछे नजर आ रही है? लेकिन जल्दी मिल गए हैं बकरे. अभी आगे जाके बहुत सारी मसरूफियात हैं, बकरों को संभालना है, इनको बांधना शांधना है, खाने का बंदोबस्त करना है, तो एडिट करना है, टाइम लग जाएगा. मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड करते हैं. थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ. अभी बकरे की जो है ना खिदमत गुजारी में लगेंगे अगले 2 दिन, तो बाकी व्लॉग मोस्ट प्रोबेबली बकरे के साथ ही होंगे.